हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक छोटा सा क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले तो बात करेंगे कि हम यूजर फॉर्म के जरिए सीट पे डेटा कैसे डाला जाए, और इसमें हम एक क्वेश्चन ऐड करेंगे कि यूजर फॉर्म के थ्रू ही डेटा कैसे डाला जाए। नॉर्मली कोई डेटा इस पे ना एंट्री कर सके। ये हमारे पंकज कुमार जी है, स्टेट बैंक में है, मैनेजर के पोस्ट में, पटना में है। उन्होंने मुझसे सवाल करके पूछा है। आप लोग भी अपनी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट करके, या फिर डायरेक्ट मुझे कॉल करके, या फिर मेरे ऐप, सबसे अच्छा है कि मेरा ऐप डाउनलोड करें और उसके चैट सेक्शन से चैट करें, तो मैं उसको आपको ज्यादा जल्दी जवाब दूंगा। ऐप के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, लिंक अवेलेबल है iOS एंड एंड्रॉइड दोनों के लिए। तो फटाफट हम चलते हैं, एक फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं। हम यूजर इंसर्ट करते हैं, यूजर फॉर्म हमने यहाँ पे डिसाइड लिख लिया। उसके बाद यूजर फॉर्म का नाम जो ऊपर यूजर फॉर्म लिखा हुआ है, उसके जगह पर हम यहाँ पे कैप्शन पे जाके लिख देते हैं डेटा एंट्री। फटाफट करते हैं ताकि ज्यादा लंबा वीडियो ना बने। उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि ऑटोमेटिकली आईडी जनरेट करेगा। यहाँ पे हमारा नेम हो जाता है। यहाँ मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको, यहाँ पे आगे करता हूँ। यहाँ हमारा सिटी हो जाता है और यहाँ हमारा अमाउंट आ जाता है। अमाउंट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अभी किसका क्या है पता नहीं चल रहा है, तो इसके लिए यहाँ हम कैप्शन यहाँ लेते हैं, क्योंकि लेवल लेते हैं। लेवल पे क्लिक करके कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे लेवल 1 को चेंज करके मैंने यहाँ पे आईडी कर दिया। और एक बार और लेवल लेते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं, यहाँ हो जाता है हमारा नेम। इस पे क्लिक कीजिए और क्लिक करके यहाँ हो जाएगा आपका नेम। और यहाँ डबल क्लिक कीजिए कॉर्नर पे, ताकि जितना बड़ा डेटा है उसके हिसाब से हो जाएगा, ताकि आप इजीली से मूव कर सके। आप कंट्रोल प्रेस करके इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार लेवल को ड्रैग करने की जरूरत ना पड़े। उसके इसको सिलेक्ट किया, आगे अगेन सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ यहाँ, और यहाँ पे हमने कर दिया अमाउंट अमाउंट। और फिर मैंने यहाँ एक बटन्स को डिजाइन किया, क्योंकि जब भी कोई प्ले वगैरह होगा वो बटन के थ्रू ही होगा ना, तो ये जो ए बी लिखा हुआ है कमांड बटन होता है, हमने कमांड बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे लिख दिया सेव सेव। अब इस पे जब प्ले होगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा। मैं चाहता हूँ कि इस पे डेटा एंट्री हो सके, या इसकी कलर वगैरह चेंज करना चाहे तो फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं। मैं इतना नहीं करता हूँ ताकि लंबा वीडियो, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको इग्नोर करता हूँ। डबल क्लिक करता हूँ सेव पे, ताकि मैं कोड कर सकूँ। सबसे पहले कि ऑटोमेटिक आईडी जनरेट होनी चाहिए, तो एक वेरिएबल लेते हैं कि डिम आईडी एज ए लॉन्ग, और यहाँ आईडी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स मैक्सिमम। कहाँ से, तो शीट, कौन सा सीट है, सीट 1। मान लीजिए इसको सीट 1 के जगह में इसको डेटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे शीट्स, और शीट्स में मैंने यहाँ पे डेटा लिखा, और यहाँ देते हैं रेंज, और रेंज में मैंने दिया यहाँ पे ए बाई ए, और इसको क्लोज कर दिया। अब यहां लिखते हैं, ये जो हम देंगे रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस आप डॉट ऑफसेट ऑफसेट, यहां पे देते हैं 1 रो कॉमा कॉलम 0 डॉट वैल्यू इक्वल टू, हम देते हैं ID+1, और साथ में नी डॉट टेक्स बॉक्स 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू ID+1 वहां भी शो करें, लेकिन यहाँ नहीं शो करना, इसको अपना रहने देते, क्योंकि हमें फॉर्म इनिशियलाइजेशन में इसको शो करवाना है। इसके बाद हम ये जो है सीट रेंज है, इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं और यहां पे हम पेस्ट कर देते हैं।
शीट्स के अकॉर्डिंग होगा। अब इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं। अब रो वन तो जीरो हो जाएगा तो अगली कॉलम में, और आईडी भी होगा फ्री हो जाएगा मी डॉट। अब मी क्या होता है? मी होता है एक्टिव यूजर फॉर्म, मी टेक्स्ट वर्क्स टू डॉट वैल्यू। अब इसी को कॉपी करते चले जाइए, पेस्ट पेस्ट। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका टू, जो कि हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स थ्री मतलब कि सिटी, और हो जाएगा थ्री, और हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स थ्री फोर सॉरी, और लास्ट में एम एस जी बॉक्स, और यहाँ पे लिख देते हैं डेटा से पहली चीज। ओके, तो अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आईडी नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि पहले तो यहाँ पे मैं टाइप ना कर सकूँ, ये आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो, और बाकी यहाँ वगैरह मैं टाइप कर सकूँ। इसके दो करना पड़ेगा मुझे, फॉर्म स्लाइज में ये जो हमने दिया हुआ है आईडी, इसको मुझे यहाँ कॉपी करके पेस्ट करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा, और फिर इसमें हमें देना होगा कि मी डॉट टेक्स बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी प्लस वन। तो जैसे फॉर्म आएगा यहां पे आईडी प्लस वन, वन डॉट वैल्यू आईडी प्लस वन, अच्छा यूजर फॉर्म क्लिक था, मैं यूजर फॉर्म स्लाइज करना था, ये फॉर्मूला यूजर फॉर्म स्लाइज पे होना चाहिए। अब आएगा, आ गया। अब यहाँ पे इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो चेंज ना हो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करके आप इसकी इस पे आइए, अनेबल आपको दिखेगा यहाँ पे, यहाँ पे अनेबल, अनेबल ट्रू है उसको फॉल्स कर दीजिए। अब डबल क्लिक करते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम रन करेंगे तो यहाँ हम लिखते हैं पूजा, यहाँ लिखते हैं पुणे सिटी में, और यहाँ अमाउंट में लिखते हैं 50, और सेव करते हैं यहाँ, डेटा सेव, डेटा सेव हो गया। दूसरा क्लिक करते हैं तो दूसरा आएगा डेटा सेव। देखिए यहाँ वन ही शो हो रहा है, तो इसलिए शो हो रहा है कि ये बार बार आपको ये कोड नीचे भी हर बार क्लिक मैसेज के बाद यहाँ पे चेंज करना होगा, इसको लेके बार बार चेंज करना होगा। तो अब परफेक्टली वर्क कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं भी यहाँ जाके टाइप कर सकता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नहीं नहीं टाइप सिर्फ यूजर फॉर्म के थ्रू ही होना चाहिए, और यूजर फॉर्म मैं एक बटन के थ्रू लाना चाहता हूँ, तो ये बटन के थ्रू तो कैसे करें? तो बटन के थ्रू लाना है, हालांकि ला सकते, लेकिन इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक मॉड्यूल्स में हम एक माइक्रो बना देते हैं, सब ओपन ओपी के नाम से, और यहां पे लिख देते हैं यूजर फॉर्म वन डॉट शो शो, ये हो गया, ये बटन के थ्रू आएगा, और यहां आपका बटन ड्रैग कर दिया, और यहां से मैंने ओपी को सिलेक्ट कर लिया, अब बटन की जगह पे आ गया बटन। अब राइट क्लिक करके मैं एडिट टेक्स्ट में इस बटन को हम लिख देते हैं एंटर डेटा। अब फिर हम सीट को कर देते हैं प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट सीट, और प्रोटेक्ट सीट में ध्यान रखिएगा कि बटन पे क्लिक करने के लिए हमें यहाँ एडिट ऑब्जेक्ट को एनेबल करना होगा। फिर यहाँ पे हमने पासवर्ड डाला, पासवर्ड को कंफर्म किया, देन ओके। अब इस पे मैं क्लिक कर सकता हूँ, बट इस पे क्लिक करने को डेटा टाइप नहीं हो सकता क्योंकि अभी फॉर्म प्रोटेक्टेड है, इसलिए। तो अब यहां मुझे कोड क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में यहां डेटा डालते समय यहां लिखना पड़ेगा कि सीट वन डॉट अनप्रोटेक्ट पासवर्ड हमने दे दिया। अब सीट वन के जगह पे डेटा सीट भी आप लिख सकते हैं, ये बेटर रहेगा, डेटा सीट सीट वन के जगह। अब बाद में यहां हम वापस डॉट प्रोटेक्ट और पासवर्ड, तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही फॉर्म आया,
मैं थ्री आ गई, यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया उदय, यहाँ पे सिटी डाल दी 500, यहाँ पे पटना, और अमाउंट डाल दिया 540। और जैसे मैं इस पे सेव पे क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही डेटा सेव हो जाए। वो सॉरी पासवर्ड जो है वो हमको इन्वर्टेड कॉमा में, अच्छा पासवर्ड गलत है, वन ही सिर्फ पासवर्ड था और यहाँ भी सिर्फ वन। डेटा सेव ओके। अब यहाँ पे अगला डेटा मैं क्लिक करता हूँ, देखिए अगला चौथा डेटा सेव हो गया, पांचवा, पांचवा सेव हो गया। जो भी टाइप मैं देख ही रख रहा हूँ, टाइप भी कर सकते हो बाद में, उसको क्लीन भी कर सकते हो, ये आप लोग कर सकते हो। लेकिन ऐसे डेटा टाइप करना चाहो तो टाइप नहीं होगा। अब बोलोगे सर कोड के जरिए कोई भी कोड में जाके पासवर्ड देख सकता है? तो टूल्स के अंदर रेफरेंसेस, इसमें माफ कीजिएगा, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज के अंदर प्रोटेक्शन के अंदर लॉग होता है व्यूइंग, और यहाँ पे आप पासवर्ड डाल दीजिए, तो बिना पासवर्ड के कोई आपका कोड भी नहीं देख पाएगा। तो मुझे आशा है कि पंकज जी को ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, साथ में आप लोगों को भी सॉल्व हो गई होगी। जो लोग अंत तक मेरे वीडियो को देखे हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ में उनसे कामना भी करता हूँ कि वीडियो को लाइक करेंगे और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस या फिर रिकॉर्डेड माई मेरे ऐप के थ्रू ले सकते हैं। डिटेल्स के लिए आप मेरी वेबसाइट या मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।